10 मिनट 50 खबरें। मुंबई में मेक इन इंडिया वीक कार्यक्रम के दौरान भीषण आग, करीब एक घंटे के अंदर जलकर खाक हुआ 5 करोड़ का स्टेज। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, शिवसेना अध्यक्ष, सांसद, बॉलीवुड के दिग्गज और तमाम वीवीआईपी घटना के वक्त मौजूद। हादसे के वक्त करीब 5000 लोग गिरगांव चौपाटी में देख रहे थे कार्यक्रम। रात करीब 8:22 पर मंच के नीचे से उठने लगी आग की लपटें। आनंद फानंद में लावली नृत्य परफॉर्म कर रही कलाकारों को हटाया गया। समंदर से आने वाली तेज हवा से भड़की आग, ट्रैफिक की वजह से दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल में पहुंचने में हुई देरी। महाराष्ट्र के सीएम की भूमिका सराहनीय, घटना के बाद कुछ देर तक मौके पर ही मौजूद रहे सीएम, लोगों की सलामती के लेते रहे जानकारी। कार्यक्रम में मौजूद बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने सीएम फडणवीस की तारीफ में किया ट्वीट, लिखा घटना के बाद मौके पर रुके रहे सीएम, बेहतरीन तरीके से हुआ आपदा प्रबंधन। अमिताभ के कविता पढ़ने के 5 मिनट बाद लगी आग, घटना के बाद किया ट्वीट, भगवान का शुक्र आग पर तुरंत पाया गया काबू, लेकिन बेहद डरावना था हादसा। जेएनयू विवाद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा वतन के खिलाफ नारेबाजी करने वालों को था आतंकी हाफिज सईद का समर्थन। राजनाथ के बयान पर गृह मंत्रालय की सफाई, कहा सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर गृह मंत्री ने दिया था बयान, येचुरी, कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला ने मांगा सबूत। जेएनयू प्रशासन ने 7 छात्रों को जांच कमेटी के सामने पेश होने का दिया आदेश, छात्रों के क्लास करने पर लगी है रोक। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की आज कोर्ट में होगी पेशी, 3 दिन की पुलिस हिरासत में आज हो रही है खात्मा। लेफ्ट छात्र संघ ने आज जेएनयू में बुलाया बंद, छात्र संघ नेता कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाया गया बंद। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का असम दौरा, 2 दिनों तक राज्य में करेंगे धुआंधार प्रचार, 1 दर्जन से ज्यादा सभा करने का कार्यक्रम। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने बीजेपी और एआईयूडीएफ पर समझौता करने का लगाया आरोप, कहा कांग्रेस के वोट को बांटने के लिए हुआ करार। बीजेपी महासचिव राम माधव की आज पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से मुलाकात, संभव सरकार के गठन पर चर्चा। सियाचिन में शहीद हुए 9 जवानों का पार्थिव शरीर आज लाया जाएगा दिल्ली, सैनिक सम्मान के बाद शवों को भेजा जाएगा गृहनगर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए जवान शंकर शिंदे का पार्थिव शव पहुंचा नासिक, आज पुश्तैनी गांव में अंतिम संस्कार। बिहार में राजनीतिक दलों के नेताओं की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग, रामविलास पासवान ने राज्यपाल के सामने उठाया मुद्दा। नीतीश के बचाव में उतरे बीजेपी के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद, कहा खराब कानून व्यवस्था के लिए जिले के एसपी जिम्मेदार। नाबालिग से रेप के आरोपी बिहार के नवादा जिले के आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव को लालू ने किया सस्पेंड, पुलिस कर रही है एमएलए की तलाश। बीजेपी विधायक सुरेश राणा ने आजम खान पर साधा निशाना, कहा यूपी के नगर विकास मंत्री खो चुके हैं दिमागी संतुलन। बुलेट ट्रेन के स्टेशन के लिए रेलवे ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी जगह, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जमीन के नीचे के हिस्से को रेलवे को देने की मांग। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का दावा, राज्य को निजी क्षेत्र के कारोबारियों से 20,000 करोड़ के निवेश का मिला प्रस्ताव। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर आज निकाले जाएंगे ड्रॉ, 23,000 सीट के लिए 73,000 बच्चों का आया आवेदन। पटना नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल को वापस लिया, सरकार से मांगों पर जल्द फैसला लेने के भरोसे के बाद फैसला। केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने जैन समुदाय के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन, जैन संप्रदाय की समस्याओं पर चर्चा।
मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र में वॉल्वो कंपनी ने पहली हाइब्रिड बस सेवा को किया पेश, सीएम फडणवीस भी थे मौजूद। मुंबई की सड़क पर नहीं उतरेंगे आज 1 लाख ऑटो, निजी कंपनियों की टैक्सी का विरोध, हड़ताल में शामिल नहीं हुए ऑटो ड्राइवर की पिटाई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में डाकू ददुआ की मूर्ति मंदिर में स्थापित, समर्थकों ने किया पूजा। पूर्व विधायक राणा किंकर सिंह के बेटे पर बस्ती जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट का आरोप, विरोध में डॉक्टरों ने 4 घंटे तक इमरजेंसी सेवा किया बंद। झारखंड के गिरिडीह में ट्रक की चपेट में आकर 11 लोगों की मौत, जीटी रोड पर सरस्वती की प्रतिमा के विसर्जन के वक्त हुआ हादसा। हरियाणा के रोहतक में शादी समारोह में चली गोली से एक की मौत, शराब के नशे में आरोपी ने चलाई गोली, आरोपी की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। दिल्ली की एक निजी कंपनी में तैनात गार्ड की संदिग्ध मौत पर हंगामा, एक दर्जन से ज्यादा बसों पर तोड़फोड़, परिवार ने फैक्ट्री मालिक पर लगाया हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के सियोपुर में कबड्डी के मैच के दौरान भड़के विवाद पर जमकर मारपीट, डीएम एसपी और स्थानीय विधायक के सामने हंगामा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ट्रेन का डीजल पाइप टूटने से मची लूट, लोगों ने बाल्टी बोतल और ड्रम में भरा डीजल। गांव में गर्लफ्रेंड से मिलने गए युवक की हत्या, लड़की के रिश्तेदारों ने लड़की को छत से फेंका, लड़की ने दर्ज कराया एफआईआर। फरीदाबाद में एक शख्स को कार से कुचलने की कोशिश, वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस को आरोपी की तलाश। मध्य प्रदेश के इंदौर में पत्नी की हत्या कर शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश, आर्थिक तंगी की वजह से था पत्नी से विवाद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्कूल के अंदर पहुंचा तेंदुआ, 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारी ने तेंदुए को पकड़ा। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में सफर कर रहे सेना के जवान का अपहरण कर हत्या, बिहार के कटिहार जिले में रेलवे ट्रैक से शव बरामद, मृतक गुवाहाटी में था तैनात। मध्य प्रदेश के इंदौर में दुकान की लिफ्ट में फंसने से एक कारीगर की मौत, पुलिस ने बिना इजाजत लिफ्ट लगाने पर दुकानदार को हिरासत में लिया। गाजियाबाद से अगवा स्नैपडील कंपनी के सीएस दीप्ति के साथ पुलिस ने क्राइम सीन का किया रिक्रिएशन, जल्द खुलासा करने का दावा। कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, वैलेंटाइन डे मना रहे प्रेमी जोड़ों की जमकर पिटाई, पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान के कोटा में भी बजरंग दल की गुंडागर्दी, प्रेमी जोड़े की तलाश में गार्डन आए लड़कों ने कर्मचारियों से की मारपीट। विशाखापट्टनम में श्रीलंका पर भारत की शानदार जीत, टी20 सीरीज के आखिरी मैच में 9 विकेट की बड़ी जीत, पहले खेलते हुए श्रीलंका की टीम 82 रन पर ढेर। तीसरे मैच में जीत से सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा, टी20 में नंबर 1 की रैंकिंग भी बरकरार, टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे आर अश्विन। मैन ऑफ द मैच के साथ मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड पर भी अश्विन का कब्जा, 3 मैचों में हासिल किए 9 विकेट। अंडर-19 वर्ल्ड कप पर वेस्टइंडीज का कब्जा, मीरपुर में भारत को 5 विकेट से दी मात, भारत के 145 रन के लक्ष्य को 3 गेंद बाकी रहते वेस्टइंडीज ने किया हासिल। इसी काटी बने मैन ऑफ द मैच, फाइनल में बनाए नाबाद 52 रन। से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है, राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है, केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने